तो बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है जान लीजिए। मैं चाहता हूँ टोटल 365 शीट्स। क्या चाहता हूँ? 365 शीट्स। तो मैं अपने एफ ड्राइव के अंदर आऊँगा और एफ ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है 2022 का, एक रहने देते हैं, ई में आते हैं। हाँ, ई फोल्डर के अंदर मेरे पास 2022 का फोल्डर है। नहीं है तो मैं बनाऊंगा। तो समझ लीजिए मुझे 2022 का एक फोल्डर बनाना है, और फोल्डर बनाने के बाद उसमें मुझे 365 शीट्स चाहिए। अब 365 शीट्स जो है हम यहाँ डालने, हमें तो कैसे डालेंगे? क्योंकि शीट तो नहीं, हम फाइल क्रिएट करेंगे ना सर। तो पहले 2022 का फोल्डर जनरेट करेंगे। इसके अंदर हम यहाँ 12 फाइल बनाएंगे, एक्सेल फाइल, और हर फाइल का नाम 1 2 3 में रख दीजिए या जैन फाइल में रख दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 12 फाइल हम बनाएंगे। और जैसे 1 हुआ, 1 इट मीन जैन। अब इसके अंदर में, जैन के अंदर में टोटल 31 दिन होते हैं, तो मुझे इसके अंदर 31 सीट इंसर्ट करने हैं, और हर सीट का नाम 1 2 3 एंड 4 रखना है, या फिर 1 जैन 2 जैन 3 जैन 4 जैन रखना है। तो मतलब कि 12, 365 शीट्स 12 महीने में, के 12 महीने की फाइल में उस महीने के दिन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके बनाना है हमें। प्रॉब्लम समझ में आ गई सबको? यस जी सर। सर। हाँ, चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम आते हैं डेवलपर विजुअल बेसिक, और जाहिर सी बात है हम कोई भी प्रोग्रामिंग बनाते हैं किसमें? इंसर्ट मॉड्यूल में। और सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया CR underscore sheet, create sheet, नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने एक मैक्रो बना लिया, मतलब इस मैक्रो को रन करने के लिए अगर हम एक्सेल सीट पे जाएंगे तो जस्ट यहाँ से माइक्रोज, और यहाँ देखिए हम इसको रन कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट बना सकते हैं या किसी बटन पे इसको असाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक हमने माइक्रो में कुछ लिखा ही नहीं है। तो सबसे पहले मुझे अपने ड्राइव में बनाने हैं 2022 नाम के फोल्डर। किस ड्राइव में? तो ई ड्राइव में। तो फोल्डर बनाने का कोड होता है, हमने किरण जी के साथ डिस्कस किया था, वो होता है MKDIR, और यहाँ पे हमने डाल दिया 2022। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ 2022 जो हमने मैनुअल कर दिया, ये मैनुअल ना रहे। ये क्या हो जाए? हमारे कैलेंडर के हिसाब से जो साल चल रहा होगा उसी साल का फोल्डर बनाए। तो कैसे करें? तो एक्सेल में आप ऐसा, अगर एक्सेल में निकालना है, करेंट ईयर निकालना है आपको, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है टुडे का। टुडे फॉर्मूला करेंट सिस्टम डेट शो करता है, और ये हर दिन चेंज होते रहता है। अब मैं कल खोलूंगा तो ऑटोमेटिक ये 12 दिखाएगा, परसों खोलूंगा 13 दिखाएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं किसका? ईयर का। ईयर फॉर्मूला इसमें से ईयर को एक्सट्रैक्ट करके देता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2022 को एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। अब सेम प्रोसीजर हमें वीवीए प्रोग्रामिंग में करना है। तो किरण जी के साथ इसे डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में। हम क्या करेंगे, यहाँ एक वेरिएबल लेंगे y, और इसमें ईयर का फॉर्मूला, क्योंकि ईयर का फॉर्मूला एक्सेल का है वो डायरेक्ट वीवीए में सपोर्ट कर देता है, बट टुडे का फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट नहीं करता है। कैसे पता चला? हमने जैसे ही ब्रैकेट ओपन किया नीचे एक्सप्रेशन नहीं आया। तो यहाँ पे मेरे पास दो चॉइसेस है, एक तो मैं लाइब्रेरी से कॉल करूँ, या फिर टुडे का फॉर्मूले का कोई अल्टरनेटिव फॉर्मूला जो वीवीए के अंदर चलता हो, तो है डेट। तो डेट फॉर्मूला है जो कि करेंट सिस्टम डेट देता है किसको? वीवीए में, और हर दिन चेंज होते रहता है। तो डेट फॉर्मूला ईयर को दिया, ईयर ने उसमें से ईयर अलग करके किसको दे दिया? वाई को। अब यहां वाई क्या है? तो वाई है एक टेम्परली सेविंग लोकेशन। जैसे आप मैथमेटिक्स में हम लोग एक्स वाई जेड ए बी सी डी ऐसे कुछ लेते थे ना, ऐसी है आपका ईयर का फॉर्मूला
यहाँ पे वाई पे स्टोर करेगा, मतलब कि हमने टेम्परली स्टोर कर लिया। अगर मैं सिंपल समझाऊँ तो मैथमेटिक्स हम लोग करते थे कि एक्स इक्वल टू 100, राइट। और मुझे जहां जहां 100 की जरूरत है वहां हम एक्स, जैसे मान लीजिए 100 में मुझे 10 जोड़ना है, तो हम लोग क्या करते हैं एक्स प्लस 10 करते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 1 10 आएगा ना सर। तो इसी तरह से यहां भी अब मुझे जहां वाई की जरूरत है, मतलब 2022 की जरूरत है, वहां हम वाई इस्तेमाल कर लें, जैसे कि यहां इस्तेमाल कर लिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे 2022 का फोल्डर क्रिएट कर दिया आपके ई ड्राइव, दिख रहा है सर। तो चलिए सुजीत जी, यहां इसमें मेरा बोलिए, एक, हाँ सॉरी मैं इंटरप्ट किया, ये जो आपने जो ऊपर आपने लिखा ऊपर लिखा वाई वाई इक्वल्स टू, इक्वल्स मतलब टू, ये आपने एक अपना फॉर्मूला बना लिया कि नहीं, वाई वाई इक्वल्स टू इक्वल्स टू आपको, नहीं, फॉर्मूला नहीं, हमने यहाँ एक ई एक्सेल का फॉर्मूला और वीवी का फॉर्मूला को कैलकुलेट करके इसका रिजल्ट हमने वाई के ऊपर होल्ड किया। अच्छा समझ में आया, हाँ ये वाई समझा, जो मतलब है जहां एक जहां ए मैं, ए जैसे आपका रेंज होता है ना, ए वन बी वन सी वन जो होता है, आप कुछ भी टाइप करना होता है ए वन बी वन सी पे, फॉर्मूला लगाना हो ए वन बी वन सी पे लगाते हैं ना एक्सेल में, हाँ, तो फॉर्मूला लगाने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए ना। आप ऐसी फॉर्मूला हवा में तो नहीं लगा ये सकते। हाँ, रेफरेंस हो गया एक तरह से उसके लिए। एक तरह से रेफरेंस हो गया, टेम्परली सेविंग लोकेशन, हार्ड डिस्क में इसने वाई नाम का जगह क्रिएट कर दिया जहां इस फॉर्मूले का रिजल्ट को होल्ड करेगा, तब तक जब तक ये हमारा सब्जेक्ट रन कर रहा है, मतलब कि माइक्रो चल रहा है, माइक्रो फिनिश होते ही वाई गायब हो जाएगा। समझ गए, समझा, अब समझ में आया आप लोगों को। हाँ चलिए अब मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, तो यहां हम लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट एड, और मुझे फिक्स है कि फाइल ऐड करके मुझे सेव भी करना है, तो डॉट डॉट सेव एज। अब सेव एज कहाँ करना है, तो सेव एज करना है मुझे इस लोकेशन, ठीक है। तो हम इसके ठीक है, अंदर हाँ आपको नाम भी तो देना पड़ेगा क्या, तो नाम हो, हमारा नाम हो गया वन, लेकिन वन ऐसे नहीं लिख सकते, वन डॉट एक्सएल एस एक्स। ये क्या करेगा, ये इसके अंदर जाएगा वन डॉट एक्सएल एक्स का फाइल क्रिएट कर देगा, और मैं इस फाइल, लेकिन फाइल ऐड हुआ है वही ओपन है, तो मैं फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, तो वर्क बुक्स डॉट क्लोज, लेकिन वर्कबुक्स में कौन वर्कबुक क्लोज, तो हमने बोला अभी जो एक्टिव है, मतलब अभी अभी जो ओपन हुआ है वही तो एक्टिव होगा, ये डॉट क्लोज और इक्वल टू ट्रू कर दिया। तो ये क्या करेगा, अगर हम इस माइक्रो को रन करते हैं यहाँ जाके, तो एक नई फाइल बुक 3 या 4 इस तरह का खोलेगा और उसको सेव करके क्लोज कर देगा। क्लोज कर दिया, आप जाके देखेंगे कि 2022 के अंदर वन नाम का फाइल बना हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वही है, तो फिर मुझे 2022 में फिर मुझे दो नाम का फाइल बनाना है, तीन नाम का फाइल बनाना है, तो आपके पास दो चॉइसेस है, ये नीचे आएगा वर्कबुक क्लोज, दो चॉइसेस है मुझे, इसी लाइन को मुझे 12 बार रिपीट करना हो और यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 करना हो, लेकिन ये सही तरीका नहीं, क्यों, क्योंकि अगर मुझे 500 फाइल बनाने देखिए, आप 500 बार लिखेंगे, अब 500 बार कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे, उससे अच्छा एक नया फाइल ना बना लेंगे क्या सर। राइट, तो इसको हम डालेंगे लूप में, क्योंकि मुझे इसको चलाना है 12 बार, कितने बार चलाना है 12 बार, तो बराबर, मैंने यहाँ पे लूप लगाया कि 4 i इक्वल टू चले 1 2 12, और फिर हमने कर दिया नेक्स्ट i। अब बोलेंगे 4 क्या होता है, इसको समझाता हूँ एक अलग, हालांकि मैं आगे क्लास में लूप के बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा, फिलहाल इतना समझ लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे msg बॉक्स और यहाँ पे लिख दिया हाय, अब इस माइक्रो को मैं रन करूंगा आरआर को, तो एक बार मैसेज बॉक्स शो करेगा, ठीक है। मुझे इसको 3 बार शो करना है, तो मैं इस कोड को 3 बार कॉपी पेस्ट करूं, तब जाके 3 बार शो करेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता,
तो हम क्या करेंगे, लूप लगा देंगे, तो फोर आई इक्वल टू चले 1 2 3 और यहाँ पे नेक्स्ट आई, तो फोर और नेक्स्ट के बीच में जितने भी लाइन ऑफ कोड होगा उसको वो 3 बार रन करेगा। देखिए, एक बार मैसेज शो किया, 2 बार शो किया, 3 बार शो किया, समझे? तो समझ गया। रिपीट कर देता है। अब यहां पे बात आती है कि फिर आई क्या काम किया है, आई काउंटर है, वो काउंट करता है कि कितना बार चल चुका है, काउंट करता है कि कितना बार चल चुका है, समझे? तो आप इसका यूज यहां भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे एन परसेंट में आई दे दिया, इसे स्पेस दे देता हूं यहां पे, तो अब क्या दिखाएगा, हाई वन हाई टू हाई थ्री ऐसे दिखाएगा, हाई वन हाई टू हाई थ्री दिखाया सर। हाँ तो हम यहां भी कर सकते हैं, जो वन हमने मैनुअल लिखा है इसके जगह पे हम आई को कॉनकेट कर देते हैं, तो पहला बार चलेगा तो आई वन होगा तो 1.xlist ला देगा, दूसरा बार चलेगा आई टू होगा तो 2.xlist दिखा देगा, 3 होगा तो 3.xlist दिखा देगा, क्या सर? राइट। तो ये लूप, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब मैं इसको अगर रन करूं तो 12 फाइल क्रिएट हो जाएगा। चलिए हम करके आपको दिखाते भी हैं, साथ साथ दिखा रहे हैं ताकि आपको डाउट क्लियर होता रहे। इसने एक फाइल बनाया, दो तीन चार पांच, इस तरह से ठीक है सर। ये बन गया, तो देखिए 2022 के अंदर इसने 12 फाइलें बना दी। हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि हम 12 एक फोल्डर के अंदर 12 फाइलें क्रिएट कर लिए। करेक्ट। लेकिन सारे फाइल ओपन है, क्लोज क्या नहीं हुआ? क्योंकि तो आपके वहां हाँ, पर क्लोज क्लोज को नहीं हमने तक। लूप के बाद रख दिया, दिख रहा है सर? इसलिए वो एक ही फाइल को हाँ क्लोज किया, बाकी फाइलों को क्लोज नहीं किया। इसको लूप के अंदर डालना है, तब तो हर फाइल को क्लोज करेगा वन बाय वन, समझे कि नहीं? देखिए, समझा। अब मैनुअली हम फाइल को क्लोज यहां से करना पड़ रहा है। तो लूप लगाते समय इसका ध्यान रखना होगा कि कौन से लाइन का कोड लूप के अंदर रहेगा बाहर रहेगा, क्योंकि जितना फाइल फाइल ओपन करेंगे उतना तो क्लोज करना पड़ेगा ना हमें। तो जो आप जो हम नेक्स्ट नेक्स्ट आई आई लिख लिख रहे रहे हैं हैं वो वो आपका आपका लूप का लूप एंड का है, तो एंड उसके पहले जी जो भी हमें हाँ, कोड क्लोज लूप का का देना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ नेक्स्ट के, इसके बाद जो लाइन होगा वो एक ही बार रन होगा, सिर्फ फोर और नेक्स्ट के अंदर की हाँ जो लाइन, इससे ऊपर की लाइन एक बार रन होगा, फोर और नेक्स्ट के बीच की जो लाइनिंग है उसी को उतना बार रन करेगा जितना बार आपने दिया होगा, समझ गए? अब समझे। इसमें मुझे 12 सीट मंथ के हिसाब से सीट ऐड कर, तो सीट ऐड करने का कोड होता है यहाँ पे शीट्स डॉट ऐड। लेकिन मुझे एक लंबा जरा करना था, बिफोर आफ्टर दिख रहा होगा, काउंट हमने यहाँ पे 31 दे दिया। अब क्या होगा कि हर फाइल में वो 31 सीट जनरेट कर देगा, समझे सर? समझा। अब यहीं पे प्रॉब्लम आती है कि हर फाइल में 31 शीट तो नहीं करना है हमें, हमें तो मंथ के हिसाब से करना है ना, तो कैसे करें? तो अब मेरे पास 1 2 3 है जिसको मैंने मंथ माना होगा, राइट? वन मतलब जनवरी, ठीक टू मतलब फरवरी, इस तरह से माना होगा, और कुछ तो नहीं है। अब एक्सेल पे आते हैं, एक्सेल पे समझते हैं। देखिए, अगर मेरे पास सिर्फ मंथ है, यहाँ पे मंथ पे हमने किया वन, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है एक्सेल में डेट में, जिसमें हम 2022 डाल दिए, ईयर भी तो है मेरे पास, वाई 2022 है, ठीक है, मंथ इसको सेलेक्ट कर दिए, और डेट तो फिक्स होता है, पहला डेट तो फिक्स होता है एक, तो ये हमारा डेट बन गया। अब मैं यहाँ पे ईओ मंथ लगाऊंगा और यहाँ पे 0 कर दूंगा तो इस महीने की लास्ट डेट आ जाएगी, और फिर मैं डे का फॉर्मूला लगाऊंगा तो डे अलग हो जाएगा। मतलब कि मैंने पहला महीना डाला तो मुझे 31 दिन मिल गया, दूसरा डालूंगा
फरवरी का डेट क्रिएट हुआ, डेट ने 28 फरवरी लास्ट डेट दिया, और यहाँ से 28 को इसने अलग कर दिया, 3 किया 4 किया। तो हमें चाहिए भी तो ये है, जो 31 हमने यहाँ मैनुअली लिखा है वो एक यहाँ का ये सिस्टम होना चाहिए कि हर बार लूप जब 1 से 2 हो तो 31 से 28, 28 से 30, 30 से इस तरह से 31 होता रहे, समझे। समझा। तो मेरे पास क्या है, मंथ है, ईयर है, और मेरे पास मंथ, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास डेट कैसे बने। तो चलिए एक और हम यहाँ पे डी का एक वेरिएबल लेते हैं, और डी वेरिएबल पे हम यहाँ पे देते हैं डेट, क्योंकि डेट फॉर्मूला सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि डेट इट मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम डेट है। तो डेट सीरीज का एक आता है, सीरियल डेट, सीरियल फॉर्मूला होता है, डेट सीरियल फॉर्मूला होता है। डेट सीरियल फॉर्मूले के अंदर अगर मैंने डाल दिया y, हमने डाल दिया i, और हमने डाल दिया 1, तो क्या होगा सर, हर बार वो हर महीने की पहली तारीख बनाता रहेगा, समझे। और बना के ओके कहाँ डालेगा, d के ऊपर। लेकिन मुझे पहली तारीख नहीं चाहिए, मुझे लास्ट तारीख चाहिए। तो लास्ट तारीख के लिए एक्सेल में फॉर्मूला है ईओ मंथ, और वीवीएम में फॉर्मूला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ईओ मंथ फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट नहीं कर रहा है डायरेक्टली, तो हम इसके लाइब्रेरी से कॉल करेंगे। हम यहाँ पे डी इक्वल टू देते हैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ, और यहाँ पे हम रखते हैं डी को और देते हैं 0। तो हमेशा लेफ्ट साइड पहले चलता है, तो पहले ए चलेगा, इस डेट को फर्स्ट तारीख को लास्ट डेट में कन्वर्ट करके किस पे डाल देगा, डी पे। लेकिन मुझे डी सिर्फ डी नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए डे। तो हमने डे फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि डे फॉर्मूला वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट करता है। तो इसमें से 30, 31, 28 ऐसे अलग करके डी पे डाल देगा, और यहाँ पे मैंने डाल दिया डी। बट एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है सर, कि जब फाइल हम ऐड करते हैं तो डिफॉल्ट उसमें एक या तीन सीट तो होता है, राइट। हमें चाहिए एग्जैक्ट 31 सीट या 30 सीट, न कम न ज्यादा। तो क्या करेंगे सर, सिंपल सी बात है, इसमें से हम माइनस कर देंगे शीट्स डॉट काउंट, कि भैया जो सीट है पहले से एडेड है उसका काउंट निकाल, और डी में से उतना माइनस करके ऐड कर दो। अब मेरा एक काम कर जाएगा, बट प्रॉब्लम वही वही, हर सीट को A1, 2, 3, 4, 5 से नेम देना। तो सीट नेम देने का तरीका है कि शीट्स, सीट का सीक्वेंस नंबर की 1 डॉट नेम इक्वल टू 1। अब ऐसे 2, 3, 4 करेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, लूप लगा लेंगे। तो फोर, लूप अब यहाँ पे आई तो नहीं दे सकती क्योंकि आई ऑलरेडी यूज यहाँ हो रहा है, रेडी। हाँ के लिए आई की जगह पे जे दे, कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना गर्लफ्रेंड का नाम भी दे सकते हैं, मजाक कर रहा था सर, 10वें मत दे दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट आए, और यहाँ जे के जगह वन वन के जगह पे हमने जे डाल, क्या डाल दिया, जे डाल, जी ओके सर। सर, वहां पे नेक्स्ट जे होगा ना, आई के हाँ सॉरी, आपने हाँ जो गलत हो गया, सही पकड़े आप, आपकी नजर बड़ी तेज है सर। अब परफेक्टली मेरा माइक्रो वर्क करेगा, और लास्ट में मैं दे देता हूँ MSG बॉक्स, एक मैसेज कि जॉब इज डन, या जो भी देना चाहते हैं, जॉब इज डन। अब मैं इसको रन करता हूं, और 1 मिनट, ये एरर आया। अब बता सकते हैं कि एरर क्यों आया किरण जी? ये ऑलरेडी शीट सेट नहीं है ना, 1 to 12। नहीं वो डिलीट कर दिया, नहीं
उसका एरर नहीं है, फाइल एक्सेस एरर, तो आप पाथ का एरर है सर। आप समझिए पहले कि एरर आया, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको डिवर्ट करना है और जाना है आपसे लाइन ऑफ कोड पे कि आपका कौन से लाइन में प्रॉब्लम है। जैसे ही डिवर्ट पे क्लिक करेंगे वो पहुंच जाएगा उस लाइन पे जिस लाइन में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि 2022 का ऑलरेडी सीट है, यहाँ फाइल है, यहाँ पे फोल्डर है, यहाँ पे, इसलिए एक एक फोल्डर मतलब कि एक नाम के दो फोल्डर तो नहीं बना सकता ना। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया कि इस फोल्डर को डिलीट कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूं, अब चालू हो गया, ये देखिए 2022 ए वन खुल गया, अब टू आएगा, टू थ्री अब मैं इसको इसमें कुछ और कोड डाल दूंगा तो ये बार बार हट रहा है, हट जाएगा, सिंपल सा हैंग होगा और जॉब इज डॉन का मैसेज आ जाएगा। इस तरह की स्क्रीन जो चेंज हो रहा है वो चेंज नहीं होगा। उसके लिए सिंपल सा लाइन डालना होगा स्टार्टिंग में, एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स। 365 शीट बनाने में आपको घंटों लग सकते थे ना सर, राइट और गलती भी हो सकती थी कि कोई कोड कोई सीट किसी सीट में किसी मंथ में ज्यादा किसी मंथ में कम कर सकते थे। लेकिन ये जो माइक्रो मैंने आपके सामने बनाया ये परफेक्टली रन हो रहा है। जॉब इज डन, ओके कीजिए, परफेक्टली रन हो रहा है, जी सर। समझे? अब उस पर ये चेक करना पड़ेगा कि उस पर जो शीट्स शीट बने कुछ हैं ना, शीट्स के शीट उठना अंदर है कि वर्क नहीं? बुक, हाँ देख सकते हैं, हाँ अब उसके अंदर खूब उतना, देखिए देखिए दो, मैं दो, यहाँ एक नंबर का फोल्डर ओपन किया, एक से लेके दिख रहे हैं 31 तक हाँ दिखेगा, 31 के बाद सीट नहीं है। हाँ अब वापस चलते हैं सीट दो पे, दो में देखिएगा 28 होगा, 28 है ठीक है। अब आपको अगर चेक करना है कि भाई कैसे माइक्रो परफॉर्म कर रहा है तो क्या करेंगे आप, देखिए एफिट एफ एट, जी हाँ बिल्कुल सही पकड़े भाभी जी वाला, पर सही पकड़े, ठीक हाँ है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो यहाँ इफ हटा देते हैं पहले, क्योंकि बनेगा नहीं। इसको भी हम कर सकते हैं कि जो पहले से बना हो तो ना बने, वो सिस्टम भी रख सकते हैं, लेकिन वो आगे क्लास में, फिलहाल इस पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। मैं यहाँ पे ये आपका डिवर्क के अंदर स्टेप इन्फो होता है, मतलब वो एक एक लाइन चलता है। एफर्ट किया, एफर्ट करने के बाद देखिए ईयर जो है 2022 आ गया, फिर इसने 2022 का फोल्डर बना दिया, बना दिया देखिए। फिर यहाँ पे आई वन हो गया, डेट सीरियल जो है आपका, डेट सीरियल जो है इसको क्या किया, डी पे डेट बना दिया 1/1/2020 बिल्कुल इसके तरह। फिर इसने क्या किया यहाँ पे, तो दो अलग लाइन किए ना, इसको इकट्ठा एक ही लाइन में भी कर सकते थे, इसको कॉपी करके या डी के जगह पे पेस्ट कर दीजिए, इकट्ठा हो जाए, ठीक है। फिर एक फाइल को बनाया इसने, ये देखिए फाइल बन गया, एक फाइल ओपन हो गया वन नाम से, दिख रहा है। अब हाँ ये इसने D31 और सीट का काउंट 3 निकाला, दिख रहा है, हाँ और इसमें से माइनस करके उतना सीट इसने ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। अब एक एक करके जाके हर सीट का नाम चेंज कर रहा है, दिख रहा है 1 2 3, ऐसे वो कब तक चलेगा, 30 बार चलेगा, समझ गया सर, ठीक 30 से 31 बार चलेगा, क्योंकि D31 है ना, 31 चलेगा। अभी कहाँ तक पहुंच गया, 25 तक पहुंच गया, 26 27 28 29 30 31। हाँ आगे 31, अब ये होगा फाइल क्लोज, अभी फाइल को सेव करके कर देगा क्लोज, क्लोज हो गया।
और फिर वापस जाएगा तो अब आई हो गया दो, क्या हो गया, दो हो गया ना आई सर। दो। हाँ अब इसने इसके साथ कंबाइन किया तो क्या हो गया डी, फरवरी का डेट आ गया। फिर इसने क्या यस, किया, लास्ट डेट 28 ले लिया। जी हाँ, और फिर इसने इसका क्लोज किया और सेम प्रोसीजर को फॉलो करें, ठीक है। कोई डाउट सर, मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ नो पे। सर, इस नहीं यहाँ पर ठीक है। पूछिए यहाँ तो क्या पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं सर। नहीं, चलिए, अभी नहीं तक कुछ सर, नहीं। ठीक है सर। किरण जी, आपको कुछ दिक्कत है? नो सर, तो हमने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बना लिया, बना लिया। तो प्रोजेक्ट में हमने आपके हमने देखा आपके साथ कि किस तरीके से एक रिपोर्ट वो किया। तो इसमें हम क्या-क्या जानते थे, तो बेसिकली हम इसमें जानते थे हम आपको बताए थे किरण जी कि कैसे हम फाइल को ऐड करते हैं, कैसे हम वर्कबुक क्रिएट करते हैं, कैसे हम फोल्डर बनाते हैं, और एक्सेल फॉर्मूले को कैसे हम वीवीएन यूज करते हैं, कैसे फाइल को क्लोज करते हैं, कैसे सीट को रिनेम करते हैं। लेकिन इन सबको मैंने आपको टुकड़ों में बताया था, वर्ड मीनिंग की तरह कि एप्पल मतलब सेब होता है, गुआ मतलब अमरूद होता है, कॉमीफ्लावर मतलब गोभी होता है, ऐसे बताया था। लेकिन जब उसको हमने एक सेंटेंस में डाला, फिर उस सेंटेंस को एक पैराग्राफ में डाला, तब जाके हमारा क्या बना, एक परफेक्टली पोएम बन गया, मतलब कि एक माइक्रो का ये बन गया। इसी तरह से पहले आपको सीखना है कि किस चीज के लिए क्या होता है, कि सीट ऐड करने का कोड क्या होता है, सीट रिडेम करने का कोड क्या होता है, हम वर्कबुक कैसे ऐड करेंगे, कैसे सेव एज करेंगे, हम वर्कबुक कैसे क्लोज करेंगे। जब ये चीजें पता हो जाएगी, फिर उसको हम एक प्रॉब्लम के अंदर यूज करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाएंगे, समझ गए। अब आप लोगों के लिए इसमें काम काम है कि जैसे मैंने यहाँ पे अभी फाइल का नाम क्या है, 1 2 3 4 5 है, सीड का नाम भी 1 2 3 4 5 है। अब आपको इस माइक्रो के अंदर अपनी कुछ बुद्धिमत्ता लगानी है, अपना इंटेलिजेंस लगाना है, और मुझे फाइल का नेम जैन फे मार्च के अकॉर्डिंग चाहिए, और मेरा सीड का नाम भी 1 जैन 2 जैन 3 जैन 4 जैन चाहिए, और एक कोड और आज की रिकॉर्डिंग दोनों आप लोगों को मैं भेज दूंगा, आप लोग इसको यूज कर लीजिए, ठीक है सर। ठीक है।